हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। आज की वीडियो में फिर से लेने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक है ऐसे बॉन्ड्स जिनका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन पर इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, और हम ये क्यों लें, इसका फ़ायदा क्या है। टैक्स फ्री तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाई दीज बॉन्ड्स। सो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे बॉन्ड्स की जो कि हमें इंटरेस्ट टैक्स फ्री देते हैं, ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं, अगर मैं पांच ऐसे एग्जांपल लूँ तो उसमें सबसे पहला है NTPC लिमिटेड, सेकंड है NHAI के बॉन्ड्स, थर्ड है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स, फोर्थ नेशनल हाउसिंग बैंक के बॉन्ड्स एंड फिफ्थ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं ऐसे बॉन्ड्स को लेने का जिसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द ईयर 2024। अब सेकेंड, अगर मेजर पार्ट में इन बॉन्ड्स के बारे में बताऊँ तो ये गवर्नमेंट के थ्रू इशू होते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू इट मीन्स गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के थ्रू या पब्लिक अंडरटेकिंग्स के थ्रू ये इश्यूज होते हैं, तभी ये देते हैं टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड्स। थर्ड, अगर मैं बात करूँ जो कि हायर टैक्स ब्रैकेट में लोग पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टैक्स ऑन अ हायर साइड सरचार्ज मिला के लेट से आप 36-40% के टैक्स पूरे साल में दे रहे हैं, तो अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेट से FD का इंटरेस्ट है, अभी मैं इंटरेस्ट रेट्स की बात नहीं कर रही हूँ कि ये बॉन्ड्स कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, FD कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है, बट मैं बात कर रही हूँ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट से अगर ये दोनों हमें सेम इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो FD में जो टैक्स कटेगा इंटरेस्ट रेट पे, अगर कोई इंडिविजुअल 10 लाख की FD कराता है, फॉर एग्जांपल 1 लाख का इंटरेस्ट अर्न करता है और वो 40% टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है सरचार्ज वगैरह से सब मिला के, तो उसके हाथ में बस 60,000 रुपये आएंगे। वहीं अगर आप इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि टैक्स फ्री है, तो वहाँ पर अगर आप 1 लाख का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो पूरे 1 लाख रुपये आपके पॉकेट में आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर बैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और इनको आप डीमैट फॉर्म में भी रख सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर अलॉटमेंट ये स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज हो सकते हैं, इट मीन्स ट्रेड किए जा सकते हैं। सो एक एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, ये बॉन्ड्स काफ़ी बेनिफिशियल है, और यूजली काफ़ी जगह पे इंटरेस्ट रेट भी आप देखेंगे स्लाइटली वेरी करता है, स्लाइटली ऑन हायर साइड होता है FD रेट से। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो लोग टैक्स सेव करना चाहते हैं या फिर टैक्स सेंसिटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बॉन्ड्स वो ले सकते हैं, बट स्टिल आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।